Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Namaste, bachchon. तो अब हमने ना पहले शिष्टाचार पाठ पढ़ा, समझा, उसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नों के उत्तर। पार्ट 3 शिष्टाचार। अब इस पार्ट के हम कठिन शब्द करेंगे। विद्यार्थी, मृदुल, व्यवहार, प्रशंसा, अशिष्ट, शिष्टाचार, विनम्रता, कर्कशता, व्यक्तियों, कृतज्ञता, धन्यवाद, जबरदस्ती। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। मृदुल, कोमल, मुलायम, दयालु। अशिष्ट, असभ्य, व्यवहार, वर्ताव। कृतज्ञता, उपकार मानना। कर्कशता, कठोरता, निर्दयता। दीनता, गरीबी, दयनीय अवस्था। विनित, नर्म और शिष्ट। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के मौखिक प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर नंबर 1, शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है शिष्ट प्लस आचार, अर्थात दूसरों के प्रति शिष्ट आचरण करना। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने किन दो बच्चों की तुलना की थी? उत्तर नंबर 2, लेखक ने प्रदीप और भुवन दो बच्चों की तुलना की है। प्रश्न नंबर 3, यदि आपको कोई आपसे बड़ा व्यक्ति बुलाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर नंबर 3, यदि हमें कोई बड़ा व्यक्ति बुलाए तो जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा क्यों करते थे? उत्तर नंबर 4, आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रदीप का बोल व्यवहार सहज ही दूसरों का मन मोह लेता है तथा उसका व्यवहार विशिष्ट एवं विनम्र है। लिखित लघु प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? उत्तर नंबर 1, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में जाने से पहले जूते उतारने चाहिए, धार्मिक अनुशासन का पालन करना होता है। मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में सिर ढककर व शांत रहकर शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, जब आप किसी सभा में बैठे हों तो क्या करेंगे? उत्तर नंबर 2, जब हम किसी सभा में बैठे हों तो चुप रहना चाहिए, सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, बस में कोई महिला खड़ी हो और आप बैठे हों तब आप क्या करेंगे? उत्तर नंबर 3, बस में यदि कोई महिला खड़ी है तो हमें तुरंत उठकर शिष्टतापूर्वक उसे अपनी सीट देनी चाहिए। लिखित दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जब कोई व्यक्ति हमारे घर आए तब हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर नंबर 1, जब कोई हमारे घर आए तो हमें अभिवादन व उसका आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए,
हमें खुश होकर उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, विनम्रता और दीनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 2, विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनित हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, भोजन करते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। उत्तर नंबर 3, भोजन करते समय हमें अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। भोजन चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन करने के बाद भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई मेहमान भोजन कर रहा है तो उसके मना करने पर भी उनकी थाली में जबरदस्ती रोटी आदि नहीं डालनी चाहिए। सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, आपके मित्र में कौन कौन से गुण हैं? शांत, मृदुभाषी, तेज, शिष्ट, घमंडी। सही उत्तर है शांत, मृदुभाषी, शिष्ट। नंबर 2, भुवन में कौन कौन से गुण हैं? तेज, अशिष्ट, स्वस्थ, कठोर, विनम्र। तो सही उत्तर है अशिष्ट, स्वस्थ और कठोर। नंबर 3, आप में कौन कौन से गुण हैं? विनम्र, स्वस्थ, अनुशासित, शिष्ट, तीव्र बुद्धि। सही उत्तर है विनम्र, स्वस्थ, अनुशासित, शिष्ट। नंबर 4, अपने से छोटों के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? कृतज्ञता, नम्रता, स्नेह, कठोर। सही उत्तर है नम्रता, स्नेह। अब हम बच्चों करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में व्याकरण। सबसे पहले सही जोड़े बनाइए। नंबर 1, बड़ों के प्रति आदर। नंबर 2, छोटों के प्रति स्नेह। थर्ड, सहायक के प्रति कृतज्ञता। 4, वाणी में मिठास। 5, व्यवहार में विनम्रता। 6, दिल में सच्चाई। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द माने उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट वर्ड्स। नंबर 1, शिष्ट, अशिष्ट। उचित, अनुचित। 3, कृतज्ञ, कृतघ्न। 4, सत्कार, अपमान। 5, आस्तिक, नास्तिक। 6, सभ्य, असभ्य। 7, विनम्रता, उग्रता। 8, सज्जन, दुर्जन। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। तो अनेकार्थिक शब्द की परिभाषा यह है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले आता है मगर। तो मगर का सबसे पहले होता है, उसका अर्थ होता है परंतु। तो उसका वाक्य है, वह आया तो था मगर चला गया। मगर का दूसरा अर्थ है मगरमच्छ। मगर जल में रहता है। नंबर 2, कर। कर यानि हाथ। हाथ का अर्थ है
मोहन ने यह तस्वीर अपने कर कमलों द्वारा बनाई है। नंबर टू का कर टैक्स। टैक्स हमें आयकर उचित समय पर भरना चाहिए। थ्री पात्र। पात्र बर्तन, कुम्भार मिट्टी के पात्र बनाता है। पात्र दूसरा चरित्र, नाटक के सभी पात्रों के हाव भाव अच्छे थे। फोर कनक, सोना, हर चमकने वाली वस्तु कनक नहीं होती। कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। कनक का सेवन करने से मनुष्य बोरा हो जाता है। फाइव अर्थ रुपया, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ सुधर रही है। अर्थ का दूसरा मीनिंग है मतलब। तुम मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। नंबर वन विदेश से संबंधित, विदेशी। नंबर टू कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी। थर्ड जिसका कोई आधार न हो, निराधार। फोर जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। निम्नलिखित शब्दों के उचित स्त्रीलिंग रूप में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों लिंग की परिभाषा यह है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों की जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है चाचा। चाचा का लिंग हो बदलेगा स्त्रीलिंग, चचेरा की चाची, तो सही उत्तर है चाची। नंबर टू पुरुष, महिला या पुरुष, तो सही उत्तर है महिला। नंबर थ्री मालिक, मालकिन की मालदार, सही उत्तर है मालकिन। नंबर फोर सम्राट, सम्राज्ञी या सम्राटनी, तो सही उत्तर है सम्राज्ञी। नंबर फाइव अध्यापक, शिक्षक या अध्यापिका, सही उत्तर है अध्यापिका। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी ये सब बताया है और संज्ञा के भेद होते हैं तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हमें इनमें जो संज्ञा का सही भेद है वाक्य में उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो नंबर वन वाक्य है हमें रोज फल खाना चाहिए, तो अंडरलाइन है फल पर। तो इसका कौन सा भेद राइट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा पे टिकाएगा। सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। नंबर टू आम में बहुत मिठास होती है, अंडरलाइन है मिठास, तो जातिवाचक संज्ञा होगी कि भाववाचक संज्ञा? तो सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। नंबर थ्री सृष्टि और मनीषा अच्छी लड़कियां हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा? तो सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित उपसर्ग से बने शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चे उपसर्ग क्या है? तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा जानेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों जैसे हमारे पास फर्स्ट है प्र, प्र के साथ हमने भाव जोड़ा तो क्या बन गया, प्रभाव। उसके बाद नंबर टू में अ, अ में हमने शिष्ट जोड़ा तो वह बन गया अशिष्ट। नंबर थ्री वे, उसके साथ हमने जोड़ा नीत तो बन गया विनीत। नंबर फोर अधि, उसके साथ हमने जोड़ा कार तो बन गया अधिकार।